नमस्कार, आप देख रहे हैं गीकैन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों के आधार। जबलपुर में धोखाधड़ी एवं गबन करने के आरोपी बिशप पीसी सिंह को ईडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस जबलपुर के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के विरुद्ध कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर मूल सोसाइटी का नाम परिवर्तन करना तथा उसका चेयरमैन बनकर पद का दुरुपयोग करते हुए सोसाइटी की विभिन्न श्रेणी संस्थाओं में प्राप्त होने वाले छात्रों की फीस की राशि का उपयोग धार्मिक संस्थाओं को चलाने एवं स्वयं के उपयोग में लेकर गबन करने का आरोप लगाए गए थे। इसकी शिकायत के बाद जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने 8 सितंबर को बिशप पीसी सिंह के आवास और कार्यालय में छापेमारी की कार्रवाई की थी। छापे के दौरान ईओडब्ल्यू की टीम को पीसी सिंह के घर से 1,65,00,000 रुपये नगद, 18,000 $ करीब 14.35 लाख रुपये, 9 लग्जरी कारें, 32 झाड़ियाँ और 2 किलो सोना मिला था। वहीं बिशप पीसी सिंह 10 दिनों से जर्मनी प्रवास पर थे। बताया जा रहा है कि उनके देश में लौटते ही ईओडब्ल्यू की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना है। वहीं मामले में ईओडब्ल्यू SP देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि पीसी सिंह को नागपुर से गिरफ्तार करते हुए ईओडब्ल्यू की टीम ने अभिरक्षा मिल लिया है। वहीं मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं 100 से ज़्यादा बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है जिनके संबंध में पूछताछ भी की जा रही है। वहीं पीसी सिंह पर अलग अलग राज्यों में 100 से अधिक मामले भी दर्ज हैं। मिशन संपत्ति से हेरफेर करते हुए उनका विक्रय पीसी सिंह के द्वारा किया जाता है। मामले में और भी तथ्य भी सामने आ सकते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जारी है, इनको नागपुर एयरपोर्ट से अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ में लाया गया है। इनसे ईओडब्ल्यू की टीम के द्वारा और बाकी एजेंसियों के द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें इनके खिलाफ में 99 FIR का मामला भी सामने आ गया है। इसमें क्या ये प्रकरण की जांच के दौरान इस तरह की तथ्य जानकारी में आए थे और एक सूची भी आई है जिसका हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। यार बाकी से कुछ संबंध रहेगा? ये सारे विवेचना के विषय हैं। विवेचना में जैसे भी साहब चाहेंगे उसके हिसाब से। सर, तमाम एजेंसी भी लगी हुई थी इसकी गिरफ्तारी में। जब हम लोगों ने तलाशी ली थी, तलाशी के दौरान इनका परिजनों के द्वारा इनका जर्मनी में होना बताया गया था और उसके बाद से इसमें लगातार इनकी मूवमेंट्स को वॉच किया जा रहा था और हमारे हेडक्वार्टर पर DG सर और AG सर के द्वारा इसमें सारी एजेंसी से कोऑर्डिनेशन किया गया और उस कोऑर्डिनेशन में जैसे इनके मूवमेंट जर्मनी से दिल्ली बेंगलोर होते हुए नागपुर की जानकारी हुई, इनको वहाँ पर अभिरक्षा में दिया गया। इनका जो प्लेन था इन्हीं के नाम पे था, ये सारे विवेचना के विषय। सर, ने बड़ी कार्रवाई की इसके साथ ही, क्या ये जो बिशप है कहीं दूसरी जगह भागने की? मैंने कहा ना, ये भी उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनके आगे के मूवमेंट्स क्या थे। विवेचना में जैसे साहब चाहेंगे वैसे करेंगे। बिशप और उनके जो साथ में तत्कालीन जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे सोलंकी, तो इनके खिलाफ भी गबन का मामला था। किस प्रकार से इन्होंने सोसाइटी को अपने नाम से कन्वर्ट किया? जी हाँ, सोसाइटी को इसमें कुछ दस्तावेजों में धोखाधड़ी करके सोसाइटी में नाम परिवर्तन करके और उसमें शैक्षणिक संस्थाओं के पैसे फंड्स को डाइवर्ट करने का आरोप था, उसी में FIR की गई। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।